जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पार्टी यूट्यूबर। तो मैं आज आपको बताने वाला जो कुछ बिजनेस जो 5 से 10 हज़ार के अंदर आप शुरू कर सकते हो, और अगर आप सीरियस हो तो ये बिजनेस आज ही अभी से ही आप स्टार्ट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले आपको मेंटेलिटी ये रखना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है? तो आप कोई भी बिजनेस में सक्सेस आराम से हो सकते हो। सबसे पहले हमारा बिजनेस है मिल्क रीसेलिंग बिजनेस। जो मिल्क रीसेलिंग बिजनेस आपने आजकल देखा वो सिटी में जो है मिल्क बहुत आजकल लोगों का ज़रूरत बन चुका है। सुबह सुबह हर किसी के घर में मिल्क चाहिए। आप वो मिल्क सप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट बायर से बात कर सकते हो, आप होलसेल से रिटेल में सेल कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा है। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। दूसरा बिजनेस जो है हमारा वो है क्लोथ प्रेसिंग बिजनेस। जो आपको है क्लोथ इस्त्री जो करते हैं वो आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी कुछ मुनाफा नहीं लगेगा आपको, 2 से 3 हज़ार में आप छोटा सा दुकान लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। आजकल देखा होगा आपने बड़े बड़े घरों में से बहुत सारा कपड़े का ऑर्डर आता है जो प्रेस करना होता है, उसमें आप बस 2 मिनट का काम है, उसमें आप 20 से 30 रुपये आप एक कपड़े में कमा सकते हो 2 मिनट डब्बा दे के। सोचिए आप दिन भर आप मेहनत करेंगे तो आप कितना कमा सकते हो, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो बिजनेस है आपका हमारा है वो रोड साइड टी स्टॉल का बिजनेस। जो टी स्टॉल है वो भी बहुत आजकल बहुत चलता है, जो हर सीजन में टी चलता है। आपने देखा होगा हर एक रोड के किनारे छोटा छोटा टी स्टॉल लगे रहते हैं, गर्मी हो ठंडी हो बारिश हो, हर एक सीजन में चाय पीते ही लोग हैं पीते हैं। तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है आपको। चौथा बिजनेस जो है हमारा वो सॉल्ट सेलिंग बिजनेस है। आप सॉल्ट को आप डायरेक्ट कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकते हो, जैसे होंगे इंडिया मार्ट से आप खरीद सकते हो इंडिया मार्ट से, और आप आपको मिल जाएगा ये सॉल्ट करीबन 5 से 6 रुपये किलो में मिल जाएगा। आप उसको डायरेक्ट 10 से 12 रुपये किलो में बेच सकते हो, उसमें भी आपका बहुत अच्छा मुनाफा है। आप स्टार्ट करना तो स्टार्ट कर सकते हो। तो पांचवें नंबर का बिजनेस है हमारा वो एग रीसेलिंग बिजनेस है। एग रीसेलिंग बिजनेस में आपको जो है आप भी इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो आपको एक एग पड़ जाएगा 50 पैसे या 1 रुपये का एक एग पड़ जाएगा, आप उसको 6 से 7 रुपये में आराम से सेल कर सकते हो। या फिर आपको अच्छा ऑमलेट बनाना था, आपको सब्जी बनाना था, तो आप उसमें बना के आप सेल कर सकते हो। 6 नंबर का जो बिजनेस है हमारा वो है टी लीफ सेलिंग बिजनेस। चाय पत्ती का भी बहुत अच्छा डिमांड है आजकल मार्केट में। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, तो आप चाय पत्ती का भी होलसेल से खरीद के आप रिटेल में बेच सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। आप कोई भी किराना शॉप से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट सेल कर सकते हो सबको, और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। साथ में बिजनेस हमारा वो है छोला भटोरा या पानी पूरी। आपने देखा होगा जेंट्स लोग को ज़्यादातर छोला भटोरा पसंद है और लेडीज़ लोग को ज़्यादातर पानी पूरी पसंद है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस साबित होगा। आप इसको करना चाहते हो, आप 2 बंदे रख के आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। 4 से 5 हज़ार में आराम से बिजनेस ये स्टार्ट हो जाएगा, मुनाफा भी बहुत अच्छा देगा। 8 नंबर का जो बिजनेस है हमारा वो है ब्रेकफास्ट बिजनेस। आपने सुबह सुबह देखा होगा सिटी में बहुत मिलियन लोग रहते हैं, सुबह सुबह का नाश्ता अपने घर से नहीं करते, आप कहीं भी बाहर जाके वो कर लेते हो। आपने जो बना जाए आप बना सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा सा दुकान लेके समोसा वड़ा पाव इडली डोसा जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हो, और डायरेक्ट उसको कस्टमर को सेल कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। 9 नंबर का बिजनेस वो है बर्थडे डेकोरेशन बिजनेस। आप जो देखा होगा बर्थडे बड़े बड़े घरों में जो बर्थडे होता है उनको एक कस्टमर चाहिए जो पूरे बर्थडे को हैंडल कर सकते हैं, पूरा डेकोरेशन को हैंडल कर सकते हैं। वो आप कॉन्टैक्ट ले सकते हो, आप उसमें भी जाके आप अपना सर्विस दे सकते हो और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। 10 नंबर का जो बिजनेस है हमारा वो वेजिटेबल। आप वेजिटेबल आप होलसेल से लेके आप रिटेल में सेल कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे आपकी सिटी में देखा होगा वेजिटेबल जो होता है मार्केट जो होता है वो बहुत ही बड़े क्राउड एरिया में होता है, वहाँ से आप लेके आप अपनी सिटी में सेल कर सकते हो वेजिटेबल। ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको अपने सिटी में देखना पड़ेगा कि आपके अपने सिटी में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा आप जहाँ पर भी आप गए हो कौन सा जो सर्विस आपको अच्छा नहीं लगा उस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 11 नंबर का बिजनेस है वो ट्यूशन क्लास। आप ट्यूशन क्लास ले सकते हो, आप घर घर जाके बच्चे को पढ़ा सकते हो, या अपने घर में भी आप बहुत सारे बच्चे को इकट्ठे करके आप पढ़ा सकते हो, उसमें भी आपका पार्ट टाइम जॉब प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा। 12 नंबर का जो बिजनेस है वो है पेपर कुरियर बैग बनाना। पेपर कुरियर बैग आजकल देखा होगा प्लास्टिक हर एक स्टेट में बैन हो रहा है धीरे धीरे, तो पेपर कुरियर बैग का जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। आप ये भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, जैसे धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा आप इसको बड़ा कर सकते हो। 13 नंबर का बिजनेस वो है मोबाइल कवर और ग्लास बिजनेस। जो मोबाइल कवर और ग्लास बिजनेस है वो भी आप अच्छा से मोबाइल कवर और ग्लास सस्ते में लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी रोड साइड में देखा हो बहुत सारे लगा रहते हो, आप वहाँ पे भी जाके सेल कर सकते हो। आपका
14 नंबर का जो बिजनेस है हमारा वो है एड्स, ऑफलाइन एड्स सेलिंग। जैसे आपने देखा होगा ऑटो या बस के पीछे एड्स लगा रहता है, आप जाके एड्स वाले को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो बैनर बनवा के आप ऑटो या बस में लगा सकते हो, उसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। 15 नंबर का बिजनेस है वो है हमारा कार और बाइक वॉशिंग बिजनेस। कार और बाइक जो वॉशिंग बिजनेस है आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और नहीं तो आप ये कर सकते हो अपने सिटी में या दूसरे सिटी में जाके आप और कार या बाइक का ऑर्डर ले सकते हो वॉश कराने के लिए, और अब वॉश कराएगा बीच का मार्जिन आप ले सकते हो। 16 नंबर का जो बिजनेस हमारा वो सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस जो है हर एक सीजन में अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बारिश के मौसम में रेनकोट ये सब सेल कर सकते हो, या ठंडी के मौसम में आप स्वेटर इनर ये सब सेल कर सकते हो, गर्मी के मौसम में आप फ्रूट जूस ये सब डीले डाले कपड़े आप सेल कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है सीजनल बिजनेस में। 17 नंबर का बिजनेस है वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, आप कोई भी कंपनी में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी में जाएगा आप कॉन्ट्रैक्टर से जान पहचान करना पड़ेगा, उसके अंदर आप सुपरवाइजरी में काम कर सकते हो, उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बस बंदे लाना पड़ेगा काम करने के लिए, कोई भी बंदे को 18 साल के ऊपर जो एज वाले हैं उनको लाना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा और उनसे आपको कमीशन मिलता रहेगा। 18 नंबर का बिजनेस है वो होममेड फूड सेलिंग बिजनेस है हमारा, जो आपको अच्छा खाना बनाने लगता है, जो आपकी मम्मी पापा जो भी कोई भी अच्छा खाना बना लेते तो आप उनसे आप खाना बनवा के आप जोमेटो या स्विगी पे या ऊबर पे कहीं भी आप सेल कर सकते हो, अपना फूड का फोटो खींच के आप लिस्ट कर सकते हो, अगर आपको ऑर्डर आएगा तो आप खाना बना के आप कस्टमर को सप्लाई कर सकते हो। 19 नंबर का बिजनेस वो है ट्री एंड फ्लावर ग्रोइंग बिजनेस, जो है आप घर से भी ये स्टार्ट कर सकते हो, छोटा सा गमला लेना पड़ेगा आपको और उसमें छोटे छोटे अच्छे से फैंसी ट्री या फ्लावर लगा सकते हो आप, और वो भी ऑनलाइन आप सेलिंग कर सकते हो। 20 नंबर का जो है हमारा वो है रीसेलिंग बिजनेस, आप रीसेलिंग बिजनेस में आप देख सकते हो, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल जाएगा, जैसे शॉपक्लूज में हो गया, पेटीएम में हो गया, पेटीएम मॉल में हो गया, आपको यहाँ पे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से सस्ता प्रोडक्ट खरीद के अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर सकते हैं, अपना लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका ऑर्डर आएगा, उसके बाद आप कस्टमर आएगा डिलीवरी बॉय आएगा आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएगा, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। या आजकल ट्रेंड में चल रहा है एक ऐप मीशो है नाम का एक ऐप, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वहाँ से अपना कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपको बीच का मार्जिन आप रख सकते हो अपना। 21 नंबर का जो बिजनेस है वो है योगा क्लास, योगा क्लास आपको योगा अगर आता है तो आप योगा क्लास खोल सकते हो, आपको अगर योगा नहीं आता तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो है, आप 6 से 7 दिन के अंदर अच्छा सा खासा योगा आप सीख के दूसरे को सिखा सकते हो, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये योगा की फिटनेस पे आजकल लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो योगा क्लास आप जाके घर घर भी स्टार्ट कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो अपना, या फिर अपने घर में भी अपना छोटा सा योगा क्लास स्टार्ट कर सकते हो। 22 नंबर का जो बिजनेस है हमारे पास वो है आपके पास अगर बाइक या कार ऐसे पड़े हैं तो आप उसको रेंट पे दे सकते हो, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, आप वहाँ पे रेंट पे दे सकते हो, बहुत सारे आप आजकल स्टार्टअप खुल चुके हैं वहाँ भी रेंट पे दे सकते हो, उस पर भी आपका बहुत अच्छा मुनाफा आ सकता है। 23 नंबर का जो बिजनेस है वो हमारा सोलर प्रोडक्ट, आप सोलर प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, सोलर प्रोडक्ट जो है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सोलर प्रोडक्ट हर एक लोग लेना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आजकल धीरे धीरे महंगा हो रहा है, तो सोलर प्रोडक्ट हर अपने कहीं भी लगाना चाहते हैं, टेरेस पे लगाना चाहते हैं, तो आप ये भी इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कस्टमर और बायर को रिटेलर और कस्टमर के बीच का मार्जिन आप ले सकते हो। 24 नंबर का जो बिजनेस हमारा वो है फ्रेंचाइजी ऑफ कुरियर, कुरियर का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े कंपनियाँ ये सब अपना प्रोडक्ट खुद नहीं सेल करते, ये सब अपने कुरियर कंपनी को देते हैं, जैसे कुरियर कंपनी हो गया ब्लू डार्ट, ये सब कुरियर कंपनी है, तो आप इसका इनका भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, इसमें जहाँ आपको कुछ लगेगा नहीं, एक छोटा सा दुकान जैसे लेना पड़ेगा, वहाँ पे आप फ्रेंचाइजी लेके अपना एक लैपटॉप लेके अपना स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, आपको माल भेजेगी फ्लिपकार्ट अमेजोन वाला माल आपको भेजेगी, या फिर आपको जहाँ से फ्रेंचाइजी लिए वो लोग आपको माल भेजेगी, आपको बस बंदे ढूंढ के आपको डिलीवरी बॉय ढूंढना है आपको और उनसे सप्लाई करवाना है माल, आपको बीच का प्रॉफिट आपका। 25 नंबर का जो बिजनेस है हमारा वो है MLM बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे फायदा होता है, अगर आप मेहनत करेंगे धीरे 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 आपको 1-2 साल 3 साल में बहुत अच्छा आप आगे जाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। 26 नंबर का बिजनेस है आपको अगर राइटिंग करने का शौक है, आपको डाटा एंट्री करने का शौक है, तो आप अपना फाइबर या अपवर्क पे अपना अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पे आप जाके अच्छा खासा ब्लॉग लिख के अपना पोर्टफोलियो बना के आप वहाँ पे लिस्ट करते हो, आपको कस्टमर आपको मिलते हैं तो आपको ऑर्डर मिलेगा, आप ऑर्डर को कंप्लीट करके आप देंगे तो आपको डॉलर में पैसे मिल जाएंगे, आप उसको रिडीम कर सकते हो बैंक अकाउंट में।
27 नंबर जो हमारा बिजनेस है वो है LIC एजेंट। LIC एजेंट में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको 10th पास होना जरूरी है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से आपको 17 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने 17 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपको LIC एजेंट का लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आप पॉलिसी सेल कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कार इंश्योरेंस पॉलिसी, बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी या होम इंश्योरेंस पॉलिसी आप सेल कर सकते हो और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। तो यहाँ तक हुआ ख़त्म दोस्तों, यहाँ 27 बिजनेस है। आपको जो भी बिजनेस आपको पसंद आया है वो आप कमेंट कर सकते हैं, अब मैं उस बिजनेस के बारे में A to Z डिटेल में वीडियो बना के आपको दूंगा, वो वीडियो को देख सकते हो आप और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस बिजनेस देरी है तो बिजनेस स्टार्ट करने की देरी है। आपने आज स्टार्ट किया बिजनेस तो हो सके थोड़ा टाइम लगे, 6 महीने 7 महीने टाइम लगे, मगर फ्यूचर में जाके सक्सेस जरूर होगा। बस जरूरी है आपको मेहनत कंप्यूट करना पड़ेगा। आपको अभी कुछ बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है, जब आप बिजनेस उस फील्ड में उतरोगे तभी आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा, बिजनेस क्या है। आप कंपीट करोगे लोगों से जो आप देखोगे बिजनेस में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, जो पहले से जो काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होगा आपसे ज़्यादा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे बिजनेस में। बिजनेस आप बस स्टार्ट करिए, आज स्टार्ट किए तो आप धीरे धीरे सक्सेस जरूर होगे, देरी है तो आपको स्टार्ट करने की देरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मीशो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डिजाइन के बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।